हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम हरे रामा रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे रामा रामा राम हरे 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 राम आज का हरे रामा बोलना चाहिए राम राम शब्द का अर्थ क्या है आनंद देने वाले और किस किन व्यक्ति को संबोधित होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में कौन है राम राम है सब जानते हैं राम है रामचंद्र भगवान राम है बाला और राम फराशुराम है और बहुत बहुत राम है गुजरात में कितना राम है यहाँ कितना है राम राम प्रसाद राम चरण, रामचरण रामगिरिधारी और मैं एक बार कहा था एच पी या उस वो हिमालय के तरफ में था एक व्यक्ति का वहा एक व्यक्ति का नाम था राम गुलाम रामदास साधारण नाम है राम कौन है परम पुरुष परमेश्वर अनादिर राधे, भगवान है भगवान कौन है भगवान कौन है सामान्यतः हम उत्तर देते भगवान है श्री कृष्ण कृष्णस्थु भगवान स्वयं कुछ लोग कहते नहीं शिव है भगवान या नहीं है भगवान या बोलते हैं कि सब भगवान है कोई कोई बोलते हैं कि ठीक है भगवान कृष्ण है परंतु मूल रूप है विष्णु हम कहते हैं कृष्ण कृष्ण भगवान है और आज हम कहते हैं बलराम भगवान है आज हम कहते हैं प्रतिदिन हम हैं कृष्ण भगवान है और रामामूर्तिषुलायम चेष्ट नावत अकोत् भुवनसु कि कृष्ण स्वयं सबम पुमा गोविंदमादिपुरषम तमहम भजे आदिपुरश कौन कृष्ण और राम से बहुत खलाश निकालते कब निकालते तो चिरकाल से मत पूर्ण काल में बिन्ना रहते हैं परंतु बिन्ना नहीं है बेदा बेद बेदा बेद होते हैं तो और कैसे संभव है कि कृष्ण भगवान है और बलराम भी भगवान है बलराम भगवान है और मत्स्य खोर्मा वराह नरसिम इत्यादि अवतार सब भगवान है परंतु भगवान एक है एक व्यक्ति है परंतु सदैव सनातन काल में भिन्न भिन्न रूप भी है भगवान के है बालाराम श्री कृष्ण से अभिन्न है फिर भी बालाराम कृष्ण के बड़े भाई है ज्येष्ठ भ्राता है इस प्रकार भेद है और अभेद है कैसे संभव है अचिंत्य अर्थात हमारी बहुत ही सीमित बुद्धि से ही समझना संभव नहीं है और यदि आपकी बुद्धि आइंस्टाइन की बुद्धि जैसे है तो फिर भी समझना संभव नहीं होगा ऐसे ही होते हैं भगवान और भगवत तत्व हमारी बुद्धि के अतीत रहते हैं उनके लिए सब कुछ करना संभव है <coughs> तो बड़े भाई है कृष्ण के और वे स्वयं भगवान है परंतु एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य बा भी भृत्य सेवक जैसे स्वयं को मानते वे भगवान होते हुए भी सोच से उन, उनका भाव वैसे होते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ भरे भाई होते हुए भी स्वीकार कहते हैं कि कृष्ण मेरे से अधिक है <coughs> वे स्वयं अनादिर आदि है बलराम से सब कुछ जो है सब कुछ जो है जो परमार्द आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में सब कुछ जो है जीवित और अजीवित बलराम के अंग से बलराम से प्रकाशित होते हैं ये एक बड़े रहस्य है श्रीकृष्ण कहते हैं गीता में अहम सर्वस्व प्रभवो मथ सर्वंग प्रवर्ते सब कुछ मेरे से आते हैं परंतु बलराम का माध्यम से सब कुछ जो होते हैं सब कुछ और सब जीव सब विष्णु रूप भी बलराम का माध्यम से प्रकाशित होते हैं तो कृष्णा और बलराम दो व्यक्ति है परंतु एक भगवान है वे भिन्न नहीं है पृथक नहीं है भगवान अद्वितीय है वे शास्त्र में ये शब्द है अद्वितीय परंतु उनका द्वितीय रूप है तृतीय रूप है चतुर्थ रूप है असंख्य अनेक रूप है से बलराम प्रकाशित होते प्रकाशित होते फिर भी दोनों अज है अजो भी कृष्णा का जन्म कभी भी नहीं था और अव्यय उनका मृत्यु कभी भी नहीं होगा फिर भी कृष्ण का जन्म होता है आज बलराम पूर्णिमा महोत्सव हम उद्यापन करते हैं पालन करते हैं क्योंकि आज बलराम का जन्मदिन है जिनका जन्म नहीं होता उनका जन्मदिन आज है और इसलिए महोत्सव होते है क्योंकि वे अस, असाधारण है वे भगवान ही है बलराम का जन्म स्थान कहाँ कथित है कि वो दाऊजी वो गांव है राजमंडल में जिसमें बलराम का मूर्ति है कथित है कि वो वहाँ के लोग कहते हैं कि वो बालाराम का जन्म स्थान है वहाँ ब्रजमंडल में कृष्ण <coughs> से बालाराम आते हैं लेकिन बालाराम कृष्ण के पहले लिया हैं ये सब <laughs> असंभव है सब रहस्यमय है महान रहस्य बहुत खुश है यदि हम भगवतात्मा में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम हमें स्वीकार करना चाहिए कि बहुत कुछ है जो हम समझ लेंगे श्री श्रीकृष्ण कहते हैं अहम सर्व सर्वस्व प्रभो मथ सर्वंग प्रभा मधंत माओ बुधा भाव सम्बन्वित हाँ मेरे से सभी वस्तु और सभी व्यक्ति के मूल स्रोत हूँ सब कुछ और मेरे से आते हैं इतिमात्वा यही तत्व यही तथ्य ये बात स्वीकार करके मनीषी जन भाव से <coughs> ah, मेरी आराधना करते हैं तो मनीषी जान कौन है मनीषी कौन है बुद्धिमान जो स्वीकार करते हैं कि सब कुछ समझना हमारे लिए संभव नहीं है तो भगवत छत्व ज्ञान विस्तार रूप से वर्णित है श्रीमद् भागवत में और महान महान आचार्यों के लेख में जिसमें भगवत तत्व विचार विमर्श करते हैं रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य शंकराचार्य का भ्रमित सिद्धांत खंडन किए और सभी शास्त्र से वेदांत सूत्रों से वेदांत से पुराण शास्त्र से पंचरात्र शास्त्र से स्थापित किए कि विष्णु भगवान है और विष्णु का रूप किस प्रकार है विष्णु का भाव किस प्रकार है विष्णु का धाम विष्णु की भक्ति ये सभी तत्व स्थापन किए रामानुजा माध्वाचार्य और सब वैष्णवाचार्य इस प्रकार भगवत तत्व सब थोड़ा थोड़ा दृष्टि कौन से स्थापन किया और हमारे गोरिया वैष्णव तत्वाचार्य जीव गोस्वामी सठ संदर्भ में स्थापना किया कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं कृष्ण के बहुत रूप है स्वयं भगवान कृष्ण ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखा श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और कृष्ण के बहुत रूप है जिनमें सर्वप्रथम है बलराम और द्वारका धाम है सनातन द्वारका धाम जो सनातन है वो वैकुंड के ऊपर वो द्वारका जो है वहाँ चिरकाल रहते हैं वासुदेव कृष्ण बालाराम जिनका एक अन्य प्रसिद्ध नाम है संघर्ष गागमोनिको बालाराम नाम रेख दिया संघर्षण बलराम संघर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रहते हैं और ये छात्रव्यूह है महासंकर्षण जो बलोराम द्वारकाधाम है उनसे और एक छात्रव्यूह आते हैं वासुदेव संघर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और वो शंघर्ष कर्ण दाखा विष्णु गर्भदाक जिन से गर्भदाक्ष साई विश्व जिनसे क्षीर दाक्षाई विष्णु सब बलराम से आते बलराम कृष्ण से आते और बलराम से और सब अवतार और विष्णु रूप आते हैं और सब वैकुंठ स्थित नारायण रूप बलराम से आते हैं और सब अवतार जो भौतिक संसार में आते हैं सब बलराम से आते हैं uh, क्षेर विष्णु का माध्यम से <coughs> और बलराम जो कौलोक धाम में रहते हैं कौलोक मथुरा और द्वारका में रहते हैं श्री कृष्ण के साथ रहते हैं श्री कृष्ण की लीला में जो भौतिक संसार में प्रकट कहते हैं उसमें बलराम सदैव उपस्थित होते में द्वारका में श्री कृष्ण के दो प्रकार के अभिव्यक्ति है एक कृष्ण का रूप जो कृष्ण से अभिन्न है कृष्ण ही है परंतु एक एक ही समय में बहुत रूप प्रकट होते हैं जैसे द्वारका में भगवान कृष्णा सोलह हजार एक सौ आठ में रूप एक ही समय में प्रकाट होते भिन्न भिन्न राजमहल में, में प्रकट हुए और जब बहा सुधर्म सभा कक्ष गए हैं श्री कृष्ण से सब रूप सम्मिलित हुए और एक प्रकार का प्रकाश कृष्ण का है स्वयं प्रकाश और वाई विलास है कृष्ण जो अन्य रूप प्रकट करते, हैं धारण करते हैं जिनमें सर्वप्रथम है श्री बालाराम, वैकुंठ में वो रूप जो है चाथुर्भुज वो कृष्ण क्रिस्न से कृष्ण का रूप से थोड़ा पृथक है और बालाराम का रूप थोड़ा पृथक है कृष्ण और बालाराम दोनों एकदम एक ही जैसे दिखता है और यही अंतर है कि बालराम का रूप धावल है सफेद है और कृष्ण का मेघवर्ण श्याम नहीं तो दोनों उसके अलावा दोनों रूप एकदम एक ही जैसे देखते हैं <coughs> तो उस प्रकार रूप जिसमें थोड़ा भेद है उसको विलास विग्रह बहुत है <coughs> आदि लीला में चैचन्नी चार्य में श्री कृष्ण कविराज बलराम के बारे में बहुत लिखते हैं क्योंकि नित्यानंद प्रभु का खबर्ण पंचम अध्याय में आदि लीला में तो नित्यानंद कौन है बलराम बलराम कौन है भगवान है तो यही सब तत्व स्थापना के लिए। uh. को गोस्वामी बहुत लगते हैं ठार अर्थात तार उंगा अर्थात भगवान बलराम का थार एक स्वरूप श्री तार अंश पुरुष होय कलाते गणन बलराम का स्वरूप अभिन्न स्वरूप महाशंकर बोलते और उनका अंश पुरुष कला बोलते सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तथा द्वितीय देह श्री बलराम स्पष्ट है सर्व अवतारी अर्थात सब अवतार जिनसे आते हैं वो व्यक्ति कौन है कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी कृष्ण अवतार है कृष्ण अवतार हम वैसे कहते हैं अवतार का मतलब जो ऊपर से यहाँ नीचे आते हैं हमको ऊपर ले जाने के लिए उधार करने के लिए वो अवतार बोलते तो उस प्रकार कृष्ण अवतार है और अवतार अवतारम ही असंकेयम असंख्य अवतार है विष्णु अवतार अवथार वराह नरसिंह वामन इत्यादि प्रसिद्ध है परंतु कृष्ण को अवतारी बोलते क्योंकि सब अवतार के श्रोते कृष्ण इसलिए अवतारी कृष्ण को अवतारी बोलते सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान था हार अर्थात उनका द्वितीय देह श्री बलराम सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान थाहा द्वितीय देह श्री बलराम अंश अंश जय कला था नाम गोविंद मूर्ति श्री बलराम कृष्ण का अंश है हम वो शब्द है अंश कृष्ण का अंश है और अंश 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 का अंश होता है नारायण रूप अंश है और नक्षरा है अंश का अंश है अंश का मतलब अब खंडित नहीं है आ सामान्यतः यदि हम अंश कहते हैं उसका मतलब कुछ कटना है लेकिन ऐसा नहीं है सब अवतार जो है पूर्ण होते भगवान पूर्ण होते भगवान यदि पूर्ण नहीं होते तो भगवान नहीं है हम अपूर्ण है हम जीव तत्व जो है हम भी अंश होते हैं जीव तत्व परंतु पूर्ण अंश है भगवान के सब रूप फिर भी अंश कहते हैं परंतु गोविंद प्रतिमूर्ति अंश नहीं है बलराम एक दृष्टिकोण से हम अंश बोल सकते हैं प्रतिमूर्ति अभिन्न मूर्ति है बलराम अभिन्न वो बलराम कौन है यश निश्वसित कालम था जीवंती लोम बिल जागदना था हा विष्णुर्मह कला विशेष गोविंदम पुरुषम थमहम भजामि ओ महाविष्णु गोविंद का एक अंश महा है महाविष्णु कौन है भगवान का रूप महाविष्णु कहते हैं क्योंकि उनका रूप इतना महान है कि उनके लोम की खूब से श्वास निकालने के साथ सब ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड निकालते हैं बीज का रूप में तो इतना महान है भगवान महाविष्णु कि प्रलय के पश्चात महान प्रलय जिस समय सब ब्रह्मांड पूरा नष्ट होते हैं और सब पूरा भौतिक प्रकृति भगवान का शरीर में प्रवेश करते हैं और भगवान का शरीर में रहते हैं असंख्य ब्रह्मांडों के पदार्थों वो महाविष्णु का शरीर में रहते हैं तो कितना महान है महाविष्णु और वो महाविष्णु गोविंद का अंश है और वो महाविष्णु बालाराम से आते तो कितना महान है बालाराम परंतु स्वयं सोचते और मानते कि मैं सेवक हूं उनकी सेवा है सृष्टि करना इसलिए वो तीन पुरुष पुरुष अवतार के रूप में प्रकट होते सृष्टि करते हैं भौतिक संसार का भौतिक संसार की सृष्टि हैं बलराम क्यों ऐसे हैं गोविंद की सेवा में ऐसे हैं और पूरा वैकुंठ जगत आध्यात्मिक जगत भी प्रकट करते हैं बलराम की शक्ति से और बलराम की शक्ति से सब वैकुंठ जगत भौतिक जगत दोनों की दोनों का अस्तित्व होते हैं। रहते हैं बलराम का बल से उनको बलराम बोलते हैं। बल बलवान बलवान <coughs> बलराम भगवान वैसे ही करते है श्री कृष्ण की से प्रखने करने के लिए और <coughs> बलराम बहुत रूप में प्रकट श्री श्रीकृष्ण की सेवा करने के लिए, के रूप में सेवा करते हैं स्वयं भाई के रूप में और पोषक के रूप में छात्र के रूप में चामर के रूप में और यज्ञ पवित्र के रूप में पादुका के रूप में ंग के रूप में और सब कुछ जो है बलराम से आते हैं। बलराम का रूप है बलराम सब रूप धारण करते हैं श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए इस प्रकार बलराम आदि गुरु है आदि गुरु कृष्ण है आ, विशेषकर हम मानते हैं कि आदिगुरु बलराम है क्योंकि बलराम सब को कहते हैं वही भगवान कृष्ण सेव्य है कृष्णा हम सेवक है तो वे सार्वसैव्य भगवान होते हुए भी सेवक होते हैं और सब भृत्य कृष्ण ईश्वर है और सब जो है सब भृत्य सेवक है और बलराम आदि गुरु है <coughs> क्योंकि वे सबको कहते हैं वे कृष्ण की सेवा करो और आध्यात्मिक अध्या, बाल बलराम से आते हैं उपनिषद शास्त्र में कहते हैं नाम बल ही नहीं न लभ्य आत्मा कैसे लभ्य होते लाभ कैसे होते लाभ शब्द का क्या अर्थ है हम सब आत्मा हैं परंतु वर्तमान स्थिति हमारी जैसे हम अनात्मा है वास्तविक आत्मा हम कौन है हम नहीं जानते तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होते हैं और आध्यात्मिक कैसे पोषण करने हैं हमारे कैसे हम आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो सकते कैसे हम परमार्थ में स्थिर रह सकते दैवीय ऐसा गुणमयी मम माया दुराध्यया श्री कृष्ण की बहिरंग माया बहुत बलवती है हा ah. कैसे हम वो माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते मामे में भी यही प्रपद्यं माया में ही थाम थे श्री कृष्ण के चरण में शरण लेने से हम माया <coughs> माया से मुक्त हो सकते तो कैसे हम यथार्थ बल प्राप्त कर सकते श्रीकृष्ण के चरण को दृढ़ से फाग के लिए वो बाल अध्यात्मिक बाल बलराम से आते इसलिए बलराम आदि गुरु है आत्मा बाला ही नहीं ना नायम आत्मा बाला ही नहीं ना लभ्य बल के बिना भगवान को प्राप्त नहीं होते बलराम की कृपा चाहिए बलराम पूर्णिमा पर हम बलराम विशेष का हम बलराम से कृपा प्रार्थना करते हैं हे है बलराम मुझे बल दे दो किस प्रकार बल एक मूर्ख तथा कथित स्वामी वो वेद शास्त्र का वाचन न्यायाम आत्मा बल ही नहीं न ला लाभ्या यही वाचन लेके बोलते हैं कि इसलिए मांस खाना चाहिए और फुटबॉल खेलना चाहिए जिससे शारीरिक बाल आ जाएगा लेकिन यही बाल शारीरिक बल नहीं है भौतिक बल नहीं है आध्यात्मिक बल से आत्मलाभ होते हैं <coughs> बलराम उनका बल से असंख्य जागत का धारण असंख्य ब्राह्मण का धारण करते हैं वो उनका बाल का एक नमूना है अभिव्यक्ति है और आध्यात्मिक बाल देते हैं विशेषकर गुरु का माध्यम से इसलिए गुरु बलराम का प्रतिनिधि ऐसे मानने कृष्ण के प्रतिनिधि और विशेषकर बलराम के प्रतिनिधि है बलराम आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं श्री गुरुदेव का माध्यम से श्री कृष्ण परम भोगी है भोगी यही शब्द अगर हम किसी को भोगी बोलते वो अपमान होते भोगी है वो वो व्यक्ति अपमान होते आम लोग के बीच में भी ऐसे कहना परंतु कृष्ण के बारे में कहना सही है और अपमान नहीं होते वे प्रशंसित होते भोगी बहुने से अहम ही सर्वयज्ञानम भुक्ता चा प्रभु रे वचा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं सबसे बड़ा भोगी हूँ और ये बात जो नहीं मानते क्या होता है हम ही या ज्ञान भुक्त अच्छा प्रभु फिर नाचा माम अभिजाना थी तेनाथ थे जो स्वीकार नहीं करते श्री कृष्ण की श्री कृष्ण परम भुगता है जो ईश्वरों हम हम भोगी स्वयं को

तो वो स्थिति से फन करते हैं तो श्रीकृष्ण की सर्वश्रेष्ठता मानना चाहिए श्रीकृष्ण परम भोगी है और बलराम भी भोगी है बलराम स्वयं लीला करते हैं बलराम की श्री श्रीकृष्ण और बलराम की उनका अलग दाल है बलराम के गोपी जो बलराम के साथ रास विलास करते हैं वो श्रीकृष्ण की गोपियाँ से भिन्न है तो स्वयं परम भोगी है बालाराम और श्रीकृष्ण की सेवा भी करते श्रीकृष्ण का वर्धन करने के लिए और एक प्रश्न आ सकते कि भगवान स्वयं भिन्न भिन्न रूप से विष्णु रूप से बल विशेषकर बलराम का रूप से स्वयं सेवा करते हैं क्यों क्योंकि सेवा में सुख होता है भौतिक संसार में भोग विलासी जान नहीं जानते जो प्रयास करते सुखी होना इंद्रिय तृप्ति से वो जीवन का रहस्य नहीं जानते कि सेवा से ही सु भोग से नहीं और विशेषकर अपर्याप्त भगवान की सेवा करने से अपर्याप्त आनंद अनुभव होते हैं तो बलराम भगवान कृष्ण के सेवक होते हैं और बलराम सब आध्यात्मिक और भौतिक जगत के सृष्टि करने से आध्यात्मिक जगत की सृष्टि नहीं होते भौतिक जगत की सृष्टि करने से और दोनों जगत का पालन करने से सब जीव को अवसर देते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना इसलिए भगवान बलराम आदि गुरु बोलते हैं <coughs> सब कुछ जो है वैकुंठ जगत में और भौतिक जगह में है सब कुछ योग्य है श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए विशेषकर सब जीव योग्य है क्योंकि स्वरूप है कृष्ण नित्य दास योग्यता और, और अवसर देते है श्री बलराम <coughs> बलराम का एक नाम है श्रीमद् भागवत में आते हैं खली मलाफाह कलयुग कलयुग में क्या होते? दोष खलह दोष निधे राजन। दोष दोष, दोष और दोष सब कुछ दूषित होते कलयुग में प्रदूषण होते हवा में में, भोजन में और जल में प्रदूषण और सबसे बड़ा प्रदूषण सबका मन में और वो प्रदूषण सफाई करते हैं और, और शुद्ध हो जाते हैं कैसे मन का प्रदूषण निकाल खन्य छजन खलयोशन हे राजा नसी हे क महान गुण कृतना देव कृष्ण से मुक्त संग पर हरिनाम के द्वारा और बलराम के द्वारा क्योंकि उनका नाम है खालिमलापल शब्द का अर्थ है जिसमें कलाहा प्रचुर होते नाम खली मलाफा ये नाम आते बलराम की एक लीला में जिसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में संबा यादुवी संबा जम्बवती के पुत्र लक्ष्मण और दुर्योधन पुत्री ले गया सब कुरुवंश को सब सब एक साथ महान महान योद सम्ब आक्रमण किया और इस प्रकार संभ गिरफ्तार किया तो इस प्रकार कुरुवंश वंश में खलाहा की सृष्टि हो सकती महान युद्ध हो सकता तो जिससे खलाहा नहीं होता बालोराम कुरुवंश के ज्येष्ठ व्यक्ति से कुछ आ, क्या बोलते संजौता करना चाहते थे तो so, जिससे खलाह नहीं हो बलराम का स्मरण करना चाहिए खाली मलापा श्री बलराम तो आज हम विशेषकर बलराम का कीर्तन करेंगे कौन से कीर्तन बलराम के बारे में हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय रामगठ जय रोहिणी नंदन ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन मुखे में बलराम का नाम आते है और और दशाबाथ में आते हैं हा ओ वहाँ सिवा पुष्य वहाँ नहीं विषदे वसनम जल हला हाला हाथी बीची मिलते यमुना बम की शब्द ध्रीता हाल धारा हल हल धारण करते बलराम एक बार थमाल कृष्ण गोस्वामी स्वामी शिल प्रभुपत को बताए क्योंकि उस समय श्रीला प्रभुपत के अंधर्दान के एक दो साल के पहले शिलूप्रभुपत फार्म के बारे में बहुत बहुत बोलते थे और उस समय इस के कहीं फार्म स्थापित हुए तो थमाल कृष्ण को स्वामी एक बार शिरोपा भाट को बोले कि आप फार्म के आचार्य है तो नहीं नहीं मैं नहीं हूँ कृष्ण ही है और बालोराम क्योंकि कृष्ण वंशीधारी है वंशीधारण कहते हैं है क्यों क्योंकि सब ग्वाल ऐसे खाते को बुलाने के लिए गुफिया अंक है बनाने के लिए और हलधार है बलराम तो शास्त्र में प्रमाण नहीं है शायद है नहीं। मुझे पता नहीं है कि व्रजधाम में कृषि होती है परंतु बलराम का हल है उसका अर्थ कृषि होते हैं तो विशेषकर आप जो यहाँ पर नया नंद ग्राम में है आप सब विशेषकर बलराम पूर्णिमा पर बलराम से प्रार्थना करें जिससे शारीरिक बल उस आवश्यकता है कृषि कार्य करने के लिए शारीरिक बल के लिए और विशेषकर आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए और जिससे ये प्रकल ये कृषि गौरक्ष समुदाय सफल होगा प्रार्थना करने चाहिए अध्यात्मिक बल के बिना संभव नहीं है तो इस प्रकार आज हरे राम हरे राम कीर्तन करने में विशेष का बलराम का स्मरण करने चाहिए इसकॉन का एक फार्म जो फ्रांस में है जो शिल का समय स्थापित था उसमें शिलोप्रभापत कृष्ण बलराम की मूर्ति स्थापना है। विशेष को फार्म खेले दो जगह में शिलोप्रभापत कृष्ण बलराम की विग्रह स्थापना की एक है वृंदावन रामायण रेती में क्योंकि रामायण रेती में वो, वो राजमंडल में वो स्थान का नाम रामायण है क्योंकि स्थान है शिरोपरा बाबा बाल कि कृष्ण और बलराम बहुत आनंद से खेलते सब गौभा के साथ और ग्वाल के बालक के साथ तो so, कृष्ण बलराम वृंदावन में स्थापना किए और फ्रांस में फार्म में कृष्ण और बलराम फार्म के आचार्य है और फार्म के विलासी भी है कृष्ण और बलराम भगवान ही है और द्वारका में महान महान महल में रहते परंतु उनका प्रिय धाम है श्री वृंदावन जिसमें सरलता और प्रकृति प्रकृति की सुंदरता प्रचुर होते है तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम आदर्श जीवन सबको देखा है सरल सुंदर शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए यहाँ पर नया आनंद ग्राम में कृष्ण और बलराम और सब राज्यवासी का आदर्श के अनुसार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shri Balaram Bhagavan Ki Jai, Sab Naya Nandagram Nevasyam Ki Jai, Hare Krishna.